छठी मैया व्रत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HS बिहार, रिया सिन्हा आपके साथ है। हम दिघा घाट पहुँचे हैं आपके एक कन्फ्यूज़न को दूर करने। उससे पहले हम आपको बताएं कि हम बिहारियों के लिए छठ महापर्व सिर्फ एक त्यौहार नहीं, इमोशन होता है। हम चाहे देश के किसी भी कोने में हो, छठ पर्व पर ज़रूर बिहार पहुँचते हैं अपनी माँ के पास, जो हमारे लिए छठ करती हैं। जी हाँ, ऐसे में इस बार सिचुएशंस पहले जैसी नहीं है। COVID-19 का समय चल रहा है और ऐसे में घाटों पर अर्घ देने से मना कर दिया गया है। लेकिन इस पर भी बहुत कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, क्योंकि घाटों की साफ सफाई चल रही थी। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम पहुंचे हैं दिघा घाट। यहाँ हमने अधिकारियों से भी बात की जो यहाँ साफ सफाई के लिए पहुंचे हैं। आपको हम बताएं कि भले ही इस बार घाटों पर अर्घ देने से मना किया गया है, लेकिन साफ सफाई चल रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम आपको बताते हैं। रीज़न ये है कि जो लोग नदी के किनारे बसे हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हैं, जिनके पास छत नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, और जो लोग आसपास रहते हैं, उनके लिए यह छठ घाट तैयार किया जा रहा है। क्योंकि हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, अब मोहल्ले वाले कहाँ जाएंगे जिनके पास छत नहीं है। जो झोपड़ी में लोग हैं वो लोग भी छठ करते हैं, क्योंकि छठ त्यौहार जो होता है वो सबके लिए होता है। तो ऐसे में इसीलिए जो है घाट की जो है साफ सफाई चल रही है। हम आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाएंगे कि हमारे बाएं साइड जो है ऑलरेडी साफ सफाई शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं हम दिघा पुल के जस्ट नीचे मौजूद हैं, और इस वक्त यहाँ का मौसम भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज चित्रगुप्त पूजा है, भाई दूज है, और साथ ही साथ आज नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भी ग्रहण करने वाले हैं। और ऐसे में शायद उनकी जो पहली आधिकारिक जो भी वो मैसेज देंगे वो छठ पर्व को ही लेकर होगा, सातवीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस बार छठ पर्व का। एक अंदर मन में हमारे थोड़ी सी ये बातें तो है कि इस बार हम घाटों पर जाकर छठ पूजा नहीं मना सकेंगे, लेकिन एक सवाल भी यहाँ पे खड़ा यह होता है कि आपने हमें दशहरा नहीं करने दिया, हमने उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने चुनाव करवाए, उसमें इतनी सभाएँ हुई, इतने लोग आए सभा में, इतनी भीड़ जमा हुई, तब कोविड प्रोटोकॉल कहाँ गया था। और उसके बाद अब DM कुमार रवि ने ट्वीट किया कि घाटों की जो है सफाई जरूर चलेगी हर साल की तरह, लेकिन इस बार घाट पर छठ नहीं मनाया जाएगा पटना में। तो इसको लेकर थोड़ी जो है बातें चल रही है। उनका कहना है कि वो नगर निगम की तरफ से घरों में जो है गंगा जल पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किन किन घरों में छठ हो रहा है, आप कैसे इतनी बड़ी आबादी में, पटना चूंकि पटना बहुत बड़ी आबादी कवर करता है, तो इतनी बड़ी आबादी तक आप हर घर में गंगा जल कैसे पहुंचा पाएंगे, तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। हालांकि यह चीज़ें उन्होंने क्लियर किया है कि घाटों पर जो है इस बार छठ नहीं मनाया जाएगा। और अभी से जो है हमारे अंदर ये उत्सुकता पैदा हो गई है, क्योंकि आज ही से मैंने देखा हमारे घरों में लकड़ियों का आना शुरू हो चुका है, गोईठा जो होता है उसका आना शुरू हो चुका है, बाजार सज चुका है छठ पूजा के लिए पूरी तरह से। और एक बहुत ही अहम बात ये होती है कि हमारे जो छठ व्रता होती हैं उनके लिए हमारे मन में एक बस यही बात होती है कि उनका छठ जो है बहुत अच्छा से गुजरे। और जिसको लेके सबसे अच्छी चीज़ छठ की होती है कि पूरी फैमिली आ जाती है, देश के कोने कोने से लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती वो जबरदस्ती छुट्टी लेते हैं और छठ पर्व पर जरूर पहुंचते हैं। हमारे साथ घाट पर आदेश जी भी मौजूद हैं। आदेश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कुमार रवि ने यह बात एक निर्देश दिया है कि घाटों पर जो है इस बार छठ नहीं मनाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से हम बिहारियों के लिए थोड़ा सा तो उदासजनक जरूर है कि उन्होंने सख्त रूप से मना कर दिया है और कहा है कि अपने घर में ही छठ मनाएं, आसपास के तालाब में छठ मनाएं, तो ये कहाँ से आपको लग रहा है कि इमोशंस हमारे वैलिड करता है? देखिए, पेंडेमिक का समय है, लेकिन बहुत सारा वायलेशन हुआ है, इलेक्शन लिया गया है बिहार में, और लेकिन चूंकि इलेक्शन ये जो है इसमें घर की माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी आते हैं घाट पे, और गंगा घाट पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हाँ। लाखों लोग जो हैं, पूरा पटना एक तरह से कहे तो गंगा किनारे रहता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया, पटना प्रशासन ने, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तैयारियाँ तो चल रही हैं,
लेकिन हमने उनसे जब बात की तो कहना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि चूंकि पटना जो है वो पूरी तरह से गंगा किनारे बसा हुआ है, तो जो गंगा जो नदी है किनारे वाले लोग हैं वो वो कहाँ कहीं कहाँ जाएंगे? जाएंगे, आसपास पर तालाब भी नहीं है। फिर से पटना में ऐसे मोहल्ले हैं, घर हैं जहाँ पर जगह नहीं है, उनको छत नहीं है, रेंट पे रहते हैं। तो वैसे लोगों को जो अगर आ जाएंगे, चूंकि ये ऐसा त्यौहार है कि कोई आ जाए तो उसे मना नहीं किया जा सकता, यहाँ प्रशासन की सख्ती नहीं चल पाएगी, क्योंकि बिल्कुल सारे बिहारी हैं और छठ पर्व को लेकर सारे का एक बहुत बड़ा आस्था समर्पण रहता है। तो वैसी परिस्थिति को निपटने के लिए ये जो तैयारियां हैं ये चल चल रही हैं, लेकिन सरकार ने ये साफ फैसला कर लिया है कि गंगा घाट जो है वो आम लोगों के लिए, दुर्ग लोगों के लिए नहीं खुला हुआ है। आप इस बार पूजा का अपने घर पे या अपने आसपास में ही व्यवस्था करें, देखिए, क्योंकि महामारी है और महामारी हम लोग को ही ध्यान में रखते हुए ऐसा नियम बनाया गया है, कोई ये जी, कोई प्रशासनिकीय जरूर नहीं है। जरूर हमें ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान उन्हें इलेक्शन समय भी रखना चाहिए था। मैं इत्तेफाक रखती हूँ उससे बात से कि अभी महामारी जो है और भी चरम सीमा पे। आपको बताऊं कि अमेरिका में 6 दिन में 20 लाख केसेस आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो सेकेंड बोला जा रहा था कि सेकेंड डोज चलेगा कोरोना का, वो सामने आ रहा है। और अभी भी बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, चूंकि बुजुर्ग लोग भी शामिल हाँ, होते हैं। सेकेंड वर्जन है, उसके बाद ठंडा का दिन आ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ठंड में जो है ये वायरस ज्यादा एक्टिव होता है, तो लौटने की भी संभावना है। हालांकि बिहार और भारत ने तो काफी कंट्रोल कर रखा है, लेकिन चूंकि छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पर बहुत ज्यादा सामूहिक रूप से लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो बस इसका ख्याल रखना है। और इस बार जो है वो छठी मैया का जो पूजा है अपने घर पे ही, छत पे ही, और माता को भी सब पता है कि कैसी समस्याओं से जो है हम लोग जूझ रहे हैं, तो जो भी प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करना चाहिए। लेकिन तैयारियां चल रही हैं और काफी अच्छा जगह है, पटना घाट के किनारे पूजा करने का मजा ही और खूब है जी, उसे। ये जो नज़ारा है वो कैमरे में कैद हो रहा है, और ये नज़ारा काफ़ी इस वक्त, और एक जो हम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले थे कि कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं, हम कर दिया है हमने कि नहीं आना है इस बार हमें छठ मनाने हमारे गंगा मैया के पास, हमें अपने घरों पे ही छठ मनाना है। और छठी मैया से आप यह जरूर प्रार्थना करें कि ये जो कोरोना महामारी आई है अगले साल हमारे से जड़ से उखड़ जाए, और हम अगले साल उत्सुकता से बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ आए और छठ पर्व मनाएं। हालांकि टैंकर के थ्रू जो गंगा नदी की जो पानी है, यानी कि हमारा जो गंगा जल है, वो हमारे घरों तक जरूर पहुंचेगा, तो इस बात की खुशी तो है। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना छठ पर्व मनाएं। और जो हमारे ऑडियंस है उनसे मैं कहूंगी कि आप जो भी फुटेज तैयार करें छठ पर्व के दौरान अपने घरों पे हमें जरूर भेजें, हम उसको अपने चैनल के थ्रू जरूर दिखाएंगे। तो आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपडेट जो होंगे वो हम आपको जरूर दिखाएंगे, पूरा छठ हम जरूर कवर करेंगे और आपके तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप थोड़ा सा गंगा नदी के नज़ारों का मजा लें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।